हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ और क्लास टेंथ की हमारे पास एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन हमारे 1 to 14 हो चुके, 13 तक हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 और 50 के बीच की जो भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। अब ए हमारे पास देखते हैं, 0 के बाद कौन आता है? 1, 3, 5, 7 अप टू 50 से पहले कौन आता है? 49। तो ये हमारे पास क्या आ गए? ऑड नंबर्स आ गए। ए पी है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 3 - 1, 2 आ जाएगा, एल लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? 49। तो क्या निकाल लेंगे? ए एन इज इक्वल टू, पहले हमें निकालना है 49 किस नंबर के टर्म में। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 49 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 2। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? 49 माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। इसमें से माइनस कर देंगे 48, 2 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में आएगा, 2 से कैंसिल कर दिया 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब एन इज इक्वल टू 24 माइनस 1 को उधर लेके गए प्लस 1 हो जाएगा, 24 प्लस 1 25, एन की वैल्यू आई हमारे पास 25। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास टर्म्स कितनी है 25। अब हम निकाल देंगे एस 25 इज इक्वल टू एन बाई 2, एन है हमारे पास 25/2 इंटू ए प्लस एल, ए हमारे पास 1 है और एल हमारे पास 49 है, तो 25/2 इंटू 41 प्लस 50 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे 25 की मल्टीप्लाई आएगी 625। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंट्रीब्यूशन जॉब स्पेसिफिक ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंपटीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। आपको ये दे रखा है कि कोई काम दे रखा है किसी को कि अगर ये हमारा जो भी टाइम दे रखा है कि 10 दिन में या 12 दिन में जितने दिन में दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। और पर डे पेनल्टी क्या है? ₹200 फॉर फर्स्ट डे। अगर एक दिन लेट होगा 200, दूसरा दिन फिर लेट होगा तो 250 हो जाएगा, थर्ड डे 300, जितने दिन भी लेट हो जाएगा ऐसे ही बढ़ता जाएगा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बींग ₹50 मोर देन फॉर द प्रेसेडिंग डे। तो हमारे पास जो पेनल्टी है वो हर डे 50 इंक्रीज होता जाएगा। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पेनल्टी में कितनी मनी पे करनी पड़ेगी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो काम को 30 दिन लेट करके देता है। तो हमें 30 दिन के लिए निकालना है, मीन्स हमें एस 30 निकालना पड़ेगा। ए इज इक्वल टू 200 है, डी इज इक्वल टू 50। अब एस 30 निकाल लेंगे कि 30 दिन की हमारे पास जो ये है इनका सम क्या होगा। एस 30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू 2, ए की वैल्यू 200 प्लस 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू 50, 2 से कैंसिल कर देंगे 15, 2 की और 200 की मल्टीप्लाई 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50, 15 400 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 450, 450 और 400 प्लस कर दिया 1850, मल्टीप्लाई कर देंगे 27,750। तो जब भी कॉन्ट्रैक्टर को पे करना होगा 30 डेज के लिए तो वो कितना पे करेगा? 27,750 एज ए पेनल्टी। ये उसकी क्या होगी? पेनल्टी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है? इस सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं? 700, और किसी भी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको प्राइज़ देना है। 7 प्राइजेज होंगे हमारे पास और तो उन सभी प्राइजेज का जो टोटल है वो कितना होगा? 700 रुपीज़ होगा। फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ़ ईच प्राइजेज इज ₹20 लेस देन इट्स ए प्रेसेडिंग प्राइज, हर एक प्राइज की जो वैल्यू है वो पहले वाले प्राइज से 20 कम हो जाएगी। मान लिया जो फर्स्ट प्राइज है वो 100 है, सेकेंड क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, थर्ड 60, फिर 40, फिर 20, ऐसे जाएगा हमारे पास। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज, हर एक प्राइजेज की वैल्यू फाइंड करें। देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज, हमने मान लिया जो फर्स्ट प्राइज है उसकी कॉस्ट क्या है? पी। कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज, सेकंड प्राइज की उससे 20 कम हो जाएगी तो पी माइनस 20 हो जाएगी।
कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस, थर्ड प्राइस की इसमें से फिर 20 कम कर देंगे, 20 40, पी माइनस 40 हो जाएगा। सो अब हमें देखो एपी बना लेंगे, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है पी, एंड डी इज इक्वल टू सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 20 आ जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है कि सेवन प्राइजेज हैं, सभी का सम है 700, एस सेवन हमारे पास क्या है 700। अब एस सेवन इज इक्वल टू 7/2 इंटू टू ए, ए की वैल्यू क्या है पी, प्लस एन हमारे पास 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू एज इट इज़, डी की वैल्यू हमारे पास माइनस 20 है। एस सेवन 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू टू पी, प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी की वैल्यू माइनस 20। अब अप्लाई करेंगे 700 इसको इधर लेके आएंगे 2/7 इज इक्वल टू 2p प्लस माइनस माइनस 60, 6 और 20 की मल्टीप्लाई माइनस 2 120। अब इससे कैंसिल कर दिया 100 टू जहाँ 200 इज इक्वल टू 2p माइनस 120 को इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 200 प्लस 120, 2p इज इक्वल टू 320 और 320 अब 2 को इधर लेके आएंगे बाई में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 160। पी हमारे पास क्या आया 160, मीन्स फर्स्ट प्राइस है वो कितना है 160, और प्राइजेज हैं वो उससे 20 लेस हैं तो और प्राइजेज क्या होंगे 160, उसके बाद 140, फिर 120, फिर 100, 80, 60, 40। क्यों? क्योंकि 40 तक छोड़ देंगे हम, क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 प्राइज हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, हमें सिर्फ 7 तक ही निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल के अंदर बच्चों को क्या करना है कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज लगाने हैं रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, और जो वायु में प्रदूषण उसको कम करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया द नंबर ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज हैं वो किस नंबर में लगाएंगे, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। हर एक क्लास का, हर एक सेक्शन जो भी उसके क्लास का नाम है, नंबर है, मीन्स फर्स्ट है तो एक लगाएगा, सेकेंड है दो लगाएगा, ऐसे उसी के से लगाएगा सेम। अब आगे क्या दे रखा है, इन विच दे आर स्टडिंग एग्जाम्पल। अब ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, एक सेक्शन क्लास फर्स्ट का है, विल प्लांट ए ट्री, वन ट्री। तो अगर हमारे पास फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास का जो एक सेक्शन है वो एक ट्री लगाएगा, एक सेक्शन ऑफ क्लास टू और क्लास टू का है तो वो दो ट्री लगाएगा, इसी तरह से एंड सो ऑन टिल क्लास ट्वेल्थ, इसी तरह से क्लास ट्वेल्थ तक लगाएंगे। देयर आर थ्री सेक्शंस ऑफ ईच क्लासेज, और हर एक क्लास में थ्री सेक्शंस हैं। How many trees will be planted by the students? Students के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए? अब देखो इन इस एक स्कूल के अंदर दे रखा है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स इज इन ए पी 1, 2, 3 अप टू 12 तक। हमारे पास क्या दे रखा है कि 1, 2, 3 अप टू 12 तक, हमने ये बता दिया कि एक एक सेक्शन लगाएगा। मान लिया एक सेक्शन से निकाल लिया हमने कि हर एक का एक एक सेक्शन का निकाल लिया, फिर हर एक में थ्री सेक्शन है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। अब फर्स्ट क्लास वाला एक लगाएगा, सेकंड का टू लगाएगा, थर्ड का थ्री लगाएगा, ऐसे 12 तक ले लिया। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, एस एन, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, क्योंकि 12 क्लासेस हैं तो क्या आ जाएगी एन बाई टू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 12 निकाल देंगे इज इक्वल टू 12/2 2 ए की वैल्यू 1 प्लस 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू 1, 2 से कैंसिल कर दिया 6, 2 वन जा 2 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 वन जा 11, 11 प्लस 2 13 और 13 और 6 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 78। तो हमने किसका निकाला, एक एक सेक्शन के लिए निकालना है। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई वन सेक्शन ऑफ द क्लासेज, हर एक क्लासेज के एक सेक्शन के द्वारा कितने लगाए गए हैं 78। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई थ्री सेक्शंस ऑफ द क्लासेज, हर एक क्लास में अब तीन सेक्शन हैं तो 78 एक एक के हैं तो 78 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 234, तो टोटल उन्होंने 234 ट्रीज लगाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18।
स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल से, स्पायरल होता है हमारे पास स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से हमने क्या किया सेमी सर्कल से ऐसे ड्रॉ करते गए विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड ए बी। हमारे पास जो सेंटर्स है वो ए से बी हैं, जो कैसे देर के स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, ए से हमने स्टार्ट किया, और रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर मान लिया हमारे पास, यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये ऐसे दे रखा है, ऐसे आपके पास राउंड करता जाएगा, तो ये हमारे पास सेमी सर्कल है, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा पूरा, इसी तरह से हमने निकाल रखा है, ये हमारे पास है तो इसका हाफ कर दिया, फिर दूसरे का हाफ, ये जो है इसका हाफ ये आ जाएगा, ऐसे ही हाफ कर दिया हमने, तो रेडियस क्या है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। एज शो इन फिगर व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल मेड अप ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, तो ये बोल रखा है टोटल लेंथ निकाल लेंगे हम स्पायरल की जब कितने बनाए गए हैं 13 कंजुकेटिव सेमी सर्कल्स। इस तरह से आपकी दे रखी है फिगर, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी पॉइंट दे रखा है। अब सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल पाई आर, देखो हमारे पास जब हमें ये निकालना है कि यहाँ से लेके ये कितनी है हमारे पास हाफ है, तो हाफ के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक सेमी सर्कल हो गया और इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो हम क्या निकाल लेंगे पेरीमीटर, तो क्या निकाला सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल दिया हमने। अब बे सर्कल का होता है 2πr, सेमी सर्कल है तो क्या आ जाएगा πr, तो I1 फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा पाई और आर की वैल्यू 0.5, तो क्या आ जाएगी 0.5 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू 5/10, 5 से कैंसिल कर दिया पाई बाई 2। इसी तरह सेकंड में हमारे पास क्या रेडियस 1 दे रखी है तो क्या हो जाएगा पाई, और नेक्स्ट में क्या दे रखी है 1.5 कर देंगे 2 और ऊपर 3 3/2 क्या आ जाएगा 3π/2, अब 2 चलता रहेगा इसी, तो इसको हमने एपी में लिख लिया π/2 π 3π/2 2π अप टू कंटिन्यू। ए इज इक्वल टू π/2, डी इज इक्वल टू π-π/2 कितना आ जाएगा π/2। अब हमें क्या निकालना है S13, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो टोटल सेमी सर्कल्स हैं वो कितने हैं कॉन्जुकेटिव 13, S13 निकाल देंगे इज इक्वल टू 13/2 × 2, ए की वैल्यू π/2 प्लस n-1 n13-1 इंटू डी की वैल्यू π/2, 13/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा पाई, प्लस 13-1 12, 2 से 12 कैंसिल कर दिया 6π प्लस पाई क्या आएगा 7π, तो क्या आएगा 13/2 मल्टीप्लाई 7π। अब हम चाहें तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं 13/2 × 7π, पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7, 7 से 7 कैंसिल और 2 से कैंसिल हो गया 11 पे, 13 और 11 के मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 143 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल इनकी लेंथ आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, आपको 200 लॉग्स हैं वो एक मैनर्स में से अटैच कर ऐसे रख रखे हैं, ठीक है, आपको फिगर भी दे रखी है ऐसे ऐसे इस तरह ऐसे ऐसे फिगर बना के दे रखी है, फिर इनके ऊपर रख रखे हैं ऐसे, तो आपको फिगर दे रखी है बुक में, उसमें से देखना 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, बॉटम रो में हमारे पास कितने हैं 20 लॉग्स, 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे ऊपर वाली में 19, फिर 18 इट एंड सो ऑन, इसी तरह है इन हाउ मैनी रो आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, तो 200 लॉग्स को रखने के लिए हमें कितनी रोज की ज़रूरत होगी एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर रो बनेगी उसके अंदर टोटल कितने लॉग होंगे। देखो हमारे पास अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, सबसे ऊपर है जो हमारे पास, सबसे नीचे जो रो है उसमें कितना है 20, उससे ऊपर वाली में 19, फिर उससे ऊपर 18 अप टू है, ए इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 19-20 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, टोटल हमारे पास कितने रो लॉग हैं 200, तो क्या लिख देंगे एंड लेट ए टोटल ऑफ 200 लॉग्स बी प्लेस्ड इन एन रोज, मान लिया हमने जो 200 लॉग्स हैं वो कितनी रो में रखे एन रो में, तो अब एन की वैल्यू निकाल देंगे, एस एन हमारे पास कितना हो गया 200 हो गया, एस एन इज इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d, एस एन 200 इज इक्वल टू n/2 2a की वैल्यू 20 प्लस n-1 d की वैल्यू -1, 200 इज इक्वल टू n/2 2 की और 20 मल्टीप्लाई 40 -n और -+1 हो जाएगा, 200 2 को इधर लेके आए मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n × 40 और 141
एन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 400 इज इक्वल टू 41 एन माइनस ए एन स्केयर। अब इन सभी को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस एन स्केयर, ये प्लस का था माइनस 41 एन, और ये क्या आ जाएगा प्लस ए, 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर बनाने हैं कि कोई भी दो नंबर उनके मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, प्लस माइनस कर देंगे 41 आएगा। एन स्केयर माइनस 41 लेके आने के लिए 16 और 25 लेके चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या आया, एन, अंदर क्या बचेगा, एन माइनस 16 इंटू, अब माइनस को बाहर ले लेंगे और 25 ले लेंगे, क्या आएगा, एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है एन माइनस 16, अंदर बचेगा एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 25। अब n की वैल्यू 25 पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है 25 पॉसिबल, क्योंकि जब 25 लोग होंगे, सॉरी फर्स्ट में हमारे पास 20 है, उसके बाद 19, उसके बाद 18, तो 20 रो तो हो ही, 25 रो तो हो ही नहीं सकती। देखो कैसे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू अप्लाई कर दिया ए एन, अब सबसे ऊपर वाली रो है हमारे पास ए एन, तो क्या रखेंगे, ए 16, मान ले 16 रो है, तो ए 16 इज इक्वल टू 20 प्लस एन माइनस 1, 16 माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास माइनस 1 है, ए 16 इज इक्वल टू 20 माइनस 15, तो सबसे ऊपर वाली रो में कितने आए, 5। बट अगर हम रो 25 लेके चल रहे हैं तब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर वाली रो में कितने आएंगे, माइनस 4, बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव चले जाएं। सो द नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो इज 5 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन 25 रो इज नेगेटिव, सो इसीलिए जो 6 नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड इन 16 रो। टोटल हमारे पास कितनी रो होंगी, 16 रो होंगी, सबसे ऊपर वाली रो में कितने होंगे, 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दे रखा है, देखो, इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टेट स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट रखी रखी है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि जो हमारे पास फर्स्ट पोटैटो रख रखा है उससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और जो स्ट्रेट लाइन पे जो और हमारे पास पोटैटोज रख रखे हैं वो उसके 3 मीटर के डिस्टेंस पे रख रखे हैं, फर्स्ट हमारे पास यहाँ 5 है, फिर यहाँ 3 का, फिर यहाँ भी 3, फिर यहाँ भी 3, ऐसे 3 मीटर के डिस्टेंस पे, देर आर 10 पोटैटोज इन लाइन, इस लाइन में 10 पोटैटोज हैं। अब देखो, एक कंपिटेटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कंपिटेटर है वो बकेट से शुरू करता है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले जो उसके नियरेस्ट है, जो उसके पास है वो पोटैटो उठाता है, रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट, उसको उठाता है और वापस आके बकेट में रख के जाता है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, उसके बाद वो फिर से वापस जाता है और सेकंड पोटैटो को उठा के रखता है और उसके अंदर वापस लेके आके रखता है। अब आगे क्या दे रखा है, एंड द कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल द पोटैटोज आर इन द बकेट, इसी तरह वो सभी को लेके आता है और वापस बकेट में रखता है। वट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपिटेटर हैज़ टू रन, कंपिटेटर को भागने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है। अब देखो, यहाँ से जब यहाँ तक गया तो हमारे पास कितनी है, 5 मीटर तक गया, फिर 5 मीटर वापस आया, तो कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद हमारे पास इससे 3 मीटर ज़्यादा है, तो 5 प्लस 3 8 मीटर गया, फिर 8 मीटर वापस आया, 8 16 हो जाएगा, दूसरा 16 आ गया, फिर 8 में 3 ऐड कर देंगे, 8 और 3 11 गया, 11 आया, तो कितना आ जाएगा, 22। इसी तरह से हमारे पास बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास ए पी बना लेंगे, ये 5 है, फिर 8, फिर 11, 14, ऐसे अप टू 32 तक पहुंच जाएंगे। तो डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज आर 5, 8, 11, 14, ऐसे हैं हमारे पास डिस्टेंस इनकी। अब एक बार की निकाल देंगे, दूसरी बार की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कैसे, d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5, 3, और a इज इक्वल टू 5। अब एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टोटल हमारे पास पोटैटो कितने हैं, 10, तो एस 10 निकाल देंगे, इज इक्वल टू 10 बाई 2, 2 ए की वैल्यू 5 प्लस एन हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 3 है। अब 2 से कैंसिल कर दिया, 5, 2, 5 जा 10 प्लस 9, 3 जा 27, 27 प्लस 10 37, और 37 5 की 185। अब 185 तो उसकी क्या है,
वो एक साइड की हो गई ना हमारे पास, कि इधर से जाने जाने की हो गई, और फिर वापस आने के लिए भी तो उसको भागना पड़ रहा है, तो 185 वो भी होगी। सो टोटल डिस्टेंस दैट द कंपिटेटर विल रन, टोटल डिस्टेंस जो कंपिटेटर भाग के कवर करता है, 2 × 185 कितना आ जाएगा, 370 मीटर। क्योंकि एक बार तो उस हमने जो जाने की है वो निकाल दी, और दूसरा हमें निकालना है जितनी देर तक वो भाग गया है वहाँ, वापस भी तो आया है हर बार, इसीलिए उसका 2 टाइम्स कर देंगे। इसीलिए हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ 185, और 185 का 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या आएगा, 370 मीटर। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 जो कंप्लीट हो गई। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से करना। ओके, थैंक यू।